इनकी दुर्गति देखो आप, दुर्गति शब्द बहुत एप्रोप्रिएट है, इनकी दुर्गति देखो कि इनको कार्यकर्ताओं को आने के लिए, उनके झूठे भाषण सुनने के लिए उनको कसम दिलाई जा रही है, इससे बड़ी दुर्गति इनकी कोई हो नहीं सकती। छाजला तो बोले चलनी भी बोले, तो भ्रष्टाचार के आकंट में डूबे हुए लोग और भ्रष्टाचार के आरोप दूसरे लोगों पे लगा रहे हैं। आज जब राजेंद्र जी राठौड़ जो अपने आप को स्वयं भी मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं विभिन्न मीटिंगों में, अपने लोगों में, भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में जब वो स्पीच दे रहे थे, तो 500 लोग भी उनकी मीटिंग में नहीं थे, सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। जो माइनिंग घोटाला था उसमें आप बताइए, अगर वो सही होते तो वो माइनिंग निरस्त क्यों होती? इनकी खुद की फूट उजागर हुई है, ये इतने दूर जा चुके हैं एक दूसरे के कि एक होना नामुमकिन है। एक अधिकारी को गिरफ्तार कराने के लिए हम लोग दिल्ली तक गए थे, तब जाकर के एक अधिकारी गिरफ्तार हुआ था। किसी ने कोई इस्तीफा दिया हो तो बताओ, इनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि मैंने हमारे वालों को कहा कि निपटा दो, मार दो, हम आपकी जमानत करा देंगे। लेकिन इनके तो होड़ मची हुई है कि कौन आगे निकले, कौन मोदी जी और अमित शाह का प्यारा बने, कौन कितना झूठ बोल करके कितना आरोप लगा सके। सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 2013 से डीवाईटी में घोटाले हो रहे हैं। चौंकाने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। फॉर नीट CUET एंड फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन आयाम करियर इंस्टीट्यूट एट पिपराली रोड सीकर। एडमिशन ओपन, कॉल 7300-11555। जब पेपर लीक में RPSC में एक सदस्य कि संलिप्तता पाई गई इन्वेस्टिगेशन में, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके यहां से बरामदगी की गई। ऐसा उदाहरण आपको केंद्र की मोदी सरकार में कोई नहीं मिलेगा, आपको राजस्थान में पिछले 5 साल और उससे पहले भी वसुंधरा जी की सरकार थी, एक भी केस नहीं मिलेगा। हमने बहुत पिछले 5 साल देखा था। आप बताइए, एक अधिकारी को गिरफ्तार कराने के लिए हम लोग दिल्ली तक गए थे, तब जाकर के एक अधिकारी गिरफ्तार हुआ था। किसी ने कोई इस्तीफा दिया हो तो बताओ, इनके ऊपर आरोप लगे थे। और जो माइनिंग घोटाला था उसमें आप बताइए, अगर वो सही होते तो वो माइनिंग निरस्त क्यों होती? इससे यह साबित होता है कि जो पिछली 5 साल में जो गड़बड़ियां हुई, जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के आज के वर्तमान के नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन अपने ही नेताओं की तरफ अंगुली उठा करके साजिशन उनको पॉलिटिकली टारगेट करके, उनके मुद्दे उठा करके और अपने आप को अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मुबारक हो। अगर इनमें से कोई नेता खुले रूप से वसुंधरा जी के किसी भी एक्शन के ऊपर, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर, उनके शासन के ऊपर अगर कोई आरोप उठाता है, आरोप लगाता है, कोई प्रश्न उठाता है, तो ये अच्छी बात है। इतने पारदर्शी हो गए कि सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 2013 से डीवाईटी में घोटाले हो रहे हैं। तो भाई, आपकी केंद्र की सरकार, आपकी एजेंसी है, आप 2013 के कोई तथ्य दीजिए। अगर हमारी सरकार के सामने आप कोई तथ्य रखेंगे तो उनके ऊपर हम लोग जांच करा देंगे। अगर आपके पास और कोई तथ्य वसुंधरा जी के खिलाफ कोई हैं या
और किसी के खिलाफ हैं तो आप तथ्य ईडी को दे दीजिए। अगर हमारे किसी के खिलाफ किसी के पास कोई भी तथ्य मौजूद हो तो राजस्थान सरकार की पुलिस को अथवा केंद्रीय एजेंसी को उनको देने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, वो दे सकते हैं। बट रोजाना अनर्गल झूठे आरोप लगा करके केवल राजस्थान की छवि को पूरे देश में बदनाम करने की जो ये कुचेष्टा कर रहे हैं, ये राजस्थान की जनता इनको माफ नहीं करेगी। आज जब राजेंद्र जी राठौड़ जो अपने आप को स्वयं भी मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं विभिन्न मीटिंगों में अपने लोगों में भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में जब वो स्पीच दे रहे थे तो 500 लोग भी उनकी मीटिंग में नहीं थे, सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी और वो कार्यकर्ताओं को कसम खिला रहे थे, सौगंध खिला रहे थे। इनकी दुर्गति देखो आप, दुर्गति शब्द बहुत एप्रोप्रिएट है, इनकी दुर्गति देखो कि इनको कार्यकर्ताओं को आने के लिए उनके झूठे भाषण सुनने के लिए उनको कसम दिलाई जा रही है, इससे बड़ी दुर्गति इनकी कोई हो नहीं सकती। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जितना भी प्रसेप्शन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इनके पास हमारी सरकारी योजनाओं में कोई कमी खामी ये निकाल नहीं पा रहे हैं। और ऐसे लोग बोल रहे हैं, आज भाषण दे रहे हैं बीजेपी के लोग जो मंच के ऊपर स्पीच दे रहे थे, हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है कि छाजला तो बोले चलनी भी बोले। तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग और भ्रष्टाचार के आरोप दूसरे लोगों पे लगा रहे हैं, इससे बड़ी कोई गलत बात हो नहीं सकती है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आप मुद्दों की बात कीजिए, आप कोई सरकारी योजनाओं में कमी खामी है तो उसकी बात उठाइए, अगर आपके पास कोई तथ्य मौजूद है तो आप उसकी, भ्रष्टाचार की कोई बात है तो उठाने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन इनके तो होड़ मची हुई है कि कौन आगे निकले, कौन मोदी जी और अमित शाह का प्यारा बने, कौन कितना झूठ बोल करके कितना आरोप लगा सके। ज्ञान देव आहूजा जैसे नेता तो इनकी पार्टी के मुखिया हैं, जिनसे भाषण दिलाया जाता है, जिन्होंने सन 1947 में जब देश आजाद हो रहा था और हमारे देश के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, शहीद हो रहे थे, उस आजादी के संघर्ष में शहीद हुए वे शहीदों के ऊपर भी उन्होंने प्रश्नवाचक लगाया है, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, मैं उनका नाम बार बार लूं तो मैं खुद भी संकोच कर रहा हूं कि मैं ऐसे लोगों का क्यों नाम ले रहा हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि मैंने हमारे वालों को कहा कि निपटा दो, मार दो, हम आपकी जमानत करा देंगे। एक धार्मिक उन्माद फैलाने की जिस तरह की बयानबाजी उनके द्वारा की गई, एक भी भाजपा के नेता के द्वारा उसकी आज तक निंदा नहीं की गई, इसका मतलब साफ है कि ऐसे लोगों को जिनको बोलना नहीं आता, जिनको जनता ने नकार दिया, ऐसे लोगों को मंच पे खड़ा करके ये लोग बात स्पीच दिलवा करके राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी जैसे नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करवाते हैं। मैं समझता हूं कि आज का इनका जो शो था वो पूरी तरीके से फेल था, इनकी खुद की फूट उजागर हुई है, ये इतने दूर जा चुके हैं एक दूसरे के कि एक होना नामुमकिन है। इनको चाहिए कि जनता के बीच में जाएं, सरकार की योजनाओं में कोई कमी है तो वो बताएं, सरकार की योजनाओं का कोई लाभ किसी को नहीं मिल रहा है तो उसकी बात करें,
और जनता में जाकर के ये भी बताएं कि 25 में से 25 सांसद दो बार आ गए, आपने 9 साल में केंद्र की सरकार से क्या ला करके दिया। ईआरसीपी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, केवल और केवल झूठ बोल करके राजस्थान की छवि को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। और जो सरकार अच्छी कार्य अच्छा काम कर रही है, जो अच्छी नीतियां ला रही है, अच्छा लोगों को गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है, उनका लाभ कैसे रुके, कैसे वो गुमराह हो और कैसे इनको सत्ता प्राप्त हो सके, ये इनके इन प्रकार उसमें लगे हुए हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे।